गाइज वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माई नेम इज़ मनीष एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो अभी मैं हूँ अहमदाबाद जंक्शन के रेलवे स्टेशन पे और मैं जा रहा हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो मैं अहमदाबाद कल आया था, कल सुबह, मेरी सिस्टर यहाँ रहती है तो मैं और मेरी सिस्टर और मेरा नेफ्यू जा रहे हैं यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने। हम लोग जा रहे हैं जन शताब्दी एकता नगर एक्सप्रेस जो जाती है अहमदाबाद से एकता नगर। चलिए सफ़र में मेरे साथ, ये रही ट्रेन, चलिए सफ़र को शुरू करते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ट्रेन में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल दो। अच्छी बात ये है ना, यहाँ पे ये बसेस अवेलेबल हैं जो कि फ्री में अवेलेबल हैं, तो इसके लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाने के लिए बस के लिए लाइन में खड़े हम लोग। पीछे अभी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो बस आप लोगों को यहाँ पे छोड़ देती है। यहाँ पे छोड़ने के बाद ना सब रूम है, यहाँ पे आप लोग अपना सामान वगैरह रख सकते हो। और अगर आपको टिकट, मैं तो आपको कहूँगा कि आप टिकट आप ज़्यादा बुक करो, क्योंकि आपको लाइन से बचने के लिए ऑनलाइन ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको टिकट लेनी है तो फिर यहाँ पे आपको टिकट, ये जो वाइट शेल्टर है यहाँ पे आपको टिकट मिल सकती है। और अगर मैं आपको टिकट का बताऊं तो 380 रुपीस की टिकट है और बच्चे की 230 रुपए की टिकट है। और इसमें व्यूइंग गैलरी, आपका फ्लावर ऑफ, जो गार्डन ऑफ फ्लावर है वो सब, और उसके बाद जो आपका डैम है यहाँ पे सरदार सरोवर डैम, वो सब इंक्लूडेड रहता है इसमें, ठीक है। तो यही था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो भी था अभी तक जो मैंने सोचा देखा। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, तो चलो चलते हैं। अभी का अपडेट ये है कि हम लोगों ने एंट्री तो ले ली है, पर नाम इसका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, पर जिस हिसाब से धूप और भीड़ है ना, मुझे लग रहा है परिवारों की यूनिटी तो यहाँ पे टूट ही जाती होगी, क्योंकि मैंने अभी पीछे लोगों को एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हुए देखा। तो बहुत ही एक ये वैसी बात हो गई कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आए हैं पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में खुद की यूनिटी टूट रही है। तो अभी गर्मी है
बैग मैंने क्लॉक रूम में जमा करा दिया था। तो अब क्या यार, बहुत प्यास लग रही है, प्लस सुबह से ट्रेन में बैठे हैं तो खाने को भी कुछ अच्छा खाया नहीं। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि एक फूड कोर्ट अच्छा बना रखा है, स्टारबक्स भी है, तो आप स्टारबक्स में जा सकते हो, यहाँ के फूड कोर्ट में अच्छा अच्छा खाना खा सकते हैं। तो चलो पहले वहाँ चलते हैं, फिर हम स्टैचू ऑफ यूनिटी चलेंगे। जो हम लोगों का गैलरी में जाने का टाइम है वो 2 से 4 है, तो अभी थोड़ा टाइम है, अभी तो 12:15 ही हुए हैं, तो इतना टाइम क्या करना। और हम लोगों की जो ट्रेन है वो भी रात के 9 बजे की ट्रेन है, तो हमारे पास पूरा दिन पड़ा है इसको एक्सप्लोर करने के लिए। और मैं अगर आपको बताऊं कि जो मैंने 380 रुपये की टिकट ली ना, जो एडल्ट की टिकट थी वो 380 की थी, और जो चिल्ड्रन की थी, मतलब जो 3 से 5 साल के बच्चे हैं उनकी टिकट थी 230 रुपये की। तो जो 380 रुपये की टिकट में जो सब चीज़ें मिलती हैं, वो मिलती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मिलता है आपको यहाँ पे एंट्री स्टैचू ऑफ यूनिटी में, उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे एक सरदार पटेल डैम है वहाँ पे, और एक वैली ऑफ फ्लावर्स है, उसकी एंट्री मिलती है आपको 380 रुपीज़ के टिकट में। ये जो लाइन है ये व्यूइंग गैलरी एलिवेटर है, तो जो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, आप उनके जो चेस्ट के हाइट तक का एरिया है उसको एक ऑब्जर्वेटरी बनाया गया है, तो उसमें क्या है, आप लोग ना आसपास का व्यू देख सकते हो, पूरे जो ये एकता नगर बनाया गया है स्पेशल इसके लिए, आप उसका प्योरा व्यू देख सकते हो। Thank you.
गाइस, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो। तो मैं अगर मैं आपको बताऊं कि आप अहमदाबाद से कैसे आ सकते हैं, तो अहमदाबाद से बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ आने के लिए। आप बाय रोड आ सकते हो, बाय ट्रेन आ सकते हो, बस ले सकते हो, पर जो सबसे कन्वीनियंट और सबसे अच्छा है वो है ट्रेन। क्योंकि बाय रोड अगर आप अपनी कार से भी आ रहे हो तो आपको 4 से 4.5 घंटे लगेंगे अहमदाबाद या गुजरात के गांधीनगर से यहाँ आने के लिए। बट जो ट्रेन है एक तो काफ़ी कन्वीनियंट है, उसका जो अमाउंट है वो अगर आप एसी चेयर में आ रहे हो तो 380 रुपये कुछ है, अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में आ रहे हो तो 860 के करीब है इसकी टिकट। और काफ़ी स्मूथ जर्नी थी, काफ़ी अच्छी जर्नी थी ट्रेन में, आप खाते पीते आ सकते हो। उसके बाद आपको रेलवे स्टेशन से ही फ्री में बस सर्विस मिलेगी यहाँ आने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए, और काफ़ी अच्छा था यहाँ पे। बस एक ये है कि जो यहाँ का फूड कोर्ट है वहाँ पे खाना इतना अच्छा नहीं है और खाने की बहुत लिमिटेड क्वालिटी और क्वांटिटी है। तो आप अपना खाना अगर ला सकते हो तो प्लीज़ ले आओ, या बाहर से कहीं से जुगाड़ करके खाना ले आना। उसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी काफ़ी अच्छी बना रखी है, और जो इसकी टिकट है वो 380 रुपीज़ की थी, जिसमें जो डैम है सरदार सरोवर डैम, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और वैली ऑफ गार्डन, वो सब इंक्लूड रहता है। और क्या, पानी की सर्विस आपको है, टॉयलेट सारे अच्छे और क्लीन है, फैमिली के साथ एक अच्छा आउटिंग स्पॉट है, नर्मदा रिवर का भी एक अच्छा व्यू है। अभी गर्मियाँ थी तो रिवर थोड़ा सूखी हुई है, प्लस गर्मी भी बहुत है और पहाड़ों का भी इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा। बट अगर आप मानसून में आते हो और आप किसी अच्छे वेदर पे आते हो तो बहुत ही एक अच्छा व्यू आएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, उनके लाइफ के बारे में और उन्होंने इंडिया को कैसे आज़ादी के बाद जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको कैसे कैसे इंडिया में मिलाया, उसकी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और आपको पता चलेगा कि आप कैसे उनको आयरन मैन की उपाधि मिली। प्लस उसके साथ क्या बताया गया, उसके अलावा बताया गया है कि ये जो स्टैच्यू है मेरे पीछे ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू है, और इसके बाद क्या क्या स्टैच्यूज आती हैं वो सब कुछ बताया गया है। चाइना की है, जापान की है, फिर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, फिर उसके बाद क्राइस्ट द रिडीमर है, और फ्रांस की भी एक और थी, मदरलैंड फ्रांस। ये सब पाँच या छः हैं जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यूज में से एक आती हैं। तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी जॉली प्लेस है, काफ़ी हैप्पी प्लेस है, और आपको एक मैं तो बोलूँगा 8th wonder ऑफ वर्ल्ड भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो एक अच्छा वीकेंड स्पॉट है और आप अपनी टू डू लिस्ट में इसको रख सकते हैं। जाने के लिए वापस मेरी ट्रेन है, अब की बार एग्जीक्यूटिव क्लास है वो 9 बजे से है, तो अभी तो ऑलमोस्ट 5:30 के करीब बजे है, तो मुझे पता नहीं कि हम लोग तब तक के लिए क्या टाइम पास करेंगे। और भूख भी लगी है, यहाँ पे तो छोटे मोटे स्नैक्स थे तो उससे तो पेट भरा नहीं। बाहर जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो डैम और वैली ऑफ गार्डन में गया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है और डैम में तो भाई धूप से मर ही जाते। तो ये था मेरा कुछ एक आप लोगों के लिए रिव्यू कि कैसा था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए आयरन मैन ऑफ इंडिया की तरफ से और मेरी तरफ से बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। अब हम घर जाएंगे, हम फिर घर जाएंगे, हम पापा के पास जा रहे हैं गाइस, हम मैं और लेडी आगे हैं।